मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस। तो प्रधानमंत्री के इस यूएन में भाषण के बाद अब बात भारतीय राजनीति की करें, जहां राजस्थान में चल रहे सियासी संकट में अब एक ऑडियो टेप की एंट्री हुई है। कांग्रेस ने टेप जारी कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का दावा है कि टेप में बागी विधायकों से बीजेपी के नेता पैसे की लेन देन की बात कर रहे हैं। जिस बड़े नाम की आवाज इस टेप में होने का कांग्रेस दावा कर रही है वो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। हालांकि कांग्रेस के इस दावे को खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नकार दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने इस टेप की वैधता पर ही सवाल खड़े किए। राजस्थान में अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच सियासी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वहीं सुबह कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो ऑडियो टेप जारी किए। टेप में बीजेपी नेता संजय जैन और बागी कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के बीच बातचीत बताई गई। जयपुर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए संजय जैन को हिरासत में ले लिया। दोस्तों, कल शाम जो दो सनसनीखेज वह चौंकाने वाले ऑडियो टेप मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं, इन टेप्स में तथाकथित तौर से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री भंवरलाल शर्मा जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे भाजपा नेता संजय जैन जी की तथाकथित बातचीत सामने आई। इस तथाकथित बातचीत में पैसों की सौदेबाजी, विधायकों की निष्ठा खरीदने और राजस्थान की सरकार गिराने का षड्यंत्र सामने आया है। वहीं एसओजी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के खिलाफ भी केस दर्ज किया। इसके साथ ही जयपुर में भी गजेंद्र शेखावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। टेप कांड से सियासत और गर्मा गई है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत आरोपों को नकार रहे हैं। शेखावत के मुताबिक ये टेप में उनकी आवाज नहीं है, उनके खिलाफ साजिश है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने टेप की वैधता पर सवाल खड़े किए। जो ड्रामा चल रहा है उसमें आज कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित रूप से कई बातों को वहां रखा, लेकिन जो एक बात रखी उन्होंने, एक ऑडियो टेप का जिक्र किया, हास्यास्पद बात यह कि अपनी पार्टी के तो लोगों का किया ही, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी का जिक्र किया। उसी संदर्भ में उन्होंने किसी संजय जैन का जिक्र किया। अब इस टेप का स्टेटस क्या है, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो इस तरीके से बयान कर रहे थे जैसे एसओजी के डीजी हों। मुकदमा दर्ज करना चाहिए, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ये टेप उनके पास कहां से आया? क्या सोशल मीडिया पे जारी किसी टेप की कोई ऑथेंटिसिटी है? क्या उसकी जांच हुई थी? कांग्रेस ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दो ऑडियो टेप सामने आए हैं, कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और बीजेपी नेता संजय जैन की बातचीत सामने है। भंवर बोल रहे हैं अमाउंट की बात हो गई है, संजय जैन बोल रहे हैं कि साहब को बता दिया है। वहीं दूसरी ऑडियो टेप में कांग्रेस ने केंद्र मंत्री गजेंद्र शेखावत की आवाज होने का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि दूसरी ऑडियो में केंद्र मंत्री गजेंद्र शेखावत की आवाज है, इस ऑडियो में भी पैसों को लेकर बातचीत है। कांग्रेस ने दो विधायकों की सदस्यता निलंबित की। कांग्रेस ने इससे पहले मामले पर कार्रवाई करते हुए विधायक विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा की सदस्यता निलंबित कर दी है। विश्वेंद्र सिंह गहलोत सरकार में मंत्री थे। इसके साथ ही कांग्रेस ने दोनों नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही।
हालांकि मामले पर रिएक्शन देते हुए भवनलाल शर्मा ने ऑडियो टेप को फर्जी। कांग्रेस ने दोनों नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।